मनीषा भूंदरे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। महाराष्ट्र के बदलापुर में हुई घटना के बाद आज विपक्ष काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बदलापुर में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर लोगों को शपथ दिलाई और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे यहाँ एक दुखद और चिंताजनक घटना के खिलाफ एकत्रित हुए हैं। महाराष्ट्र में वैसा कोई दिन नहीं बीतता जब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की खबरें सुनने को न मिले। उन्होंने आगे कहा कि यह वही राज्य है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने महिलाओं के सम्मान की रक्षा की थी। जब महाराज के सामने ऐसा कोई मामला आया तो उन्होंने तुरंत कठोर कदम उठाते हुए आरोपियों के हाथ कटवा दिए थे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। यह कहना कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, जब वह एक घटना के खिलाफ आवाज़ उठाता है या प्रदर्शन करता है तो यह दिखता है कि सरकार कितनी असंवेदनशील है।